बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या कनाबदो व या कनस्ताइन। सबसे पहले मैं स्कर्दू के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी ठंड के अंदर आप इतनी तादाद में यहां आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खान, मैं सबसे पहले आपको, आपके जितने वजीर बैठे हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स और आप सब ख्वातीन हजरात, आपके लिए पहले मैं अपना नजरिया बयान कर दूं। मेरा नजरिया यह है कि कभी भी एक मुल्क तरक्की नहीं करता जब तक वो अपने गरीब लोगों को ऊपर नहीं लेके आता और वो इलाके जो पीछे रह जाते हैं उनको ऊपर नहीं लेके आता, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मैंने जब हुकूमत संभाली तो मेरी पहले कोशिश ये थी कि वो हमारे पाकिस्तान के इलाके जो पीछे रह गए, जिसमें ये सारा गिलगित बल्तिस्तान वो इलाका है, क्योंकि दूर है, फासले भी दूर है, कनेक्टिविटी नहीं है, सड़कें हर जगह नहीं है, रास्ते मुश्किल है, तो गिलगित बल्तिस्तान में गुर्बत भी ज्यादा है और पीछे रह गया। फिर बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के लोग भी पीछे रह गए हैं, वहां भी बड़े बड़े फासले हैं, वहां भी कनेक्शन नहीं है, उधर भी तालीम में भी हम उनके सेहत का भी ध्यान नहीं रख सके और वहां गुर्बत भी अब तक कम नहीं कर सके, वो भी पीछे रह गए। फिर अंदरून सिंध है, अंदरून सिंध भी पीछे रह गया। फिर हमारा सारा जो पहले कबायली इलाका था, जो आज पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है, वो भी पीछे रह गया। फिर पंजाब के अंदर ये जो सारा डीजे खान, ये राजनपुर, ये सारे इलाके जितने, वो भी पीछे रह गए। तो मेरा सबसे पहले अब सबके सामने मैं ये वाजे करना चाहता हूं कि जो मैं, मेरा तस्वर है पाकिस्तान की तरक्की का, वो सारे पाकिस्तान के वो इलाके जो पीछे रह गए उनको साथ साथ पाकिस्तान के उठना चाहिए। और दूसरी चीज, जो हमारे गरीब लोग हैं, अमीर अमीर हो गया, गरीब गरीब हो गया पाकिस्तान में, ये भी मेरी नजर में एक माशी नाइंसाफी है। एक माशरा पछाना नहीं जाता अपने अमीर लोगों की जिंदगी को देख के, माशरा पछाना जाता है कि उसके गरीब लोग कैसे रहते हैं। इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क में हम गुर्बत कम करें। जब 2013 में पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत आई तो पख्तूनख्वा उस वक्त वॉर ऑन टेरर, वो जो जंग में सबसे ज्यादा तबाही पख्तूनख्वा में हुई थी और वो सबसे गरीब पीछे चला गया था, क्योंकि वो जंग की वजह से तजारत भी खत्म हो गई, जो पुलिस थी जो तहफ्फुज़ देती लोगों को, इतने ज्यादा कुछ 700 पुलिस वाले शहीद हो गए कि वो अपनी हिफाजत कर रहे थे, लोगों की क्या करते। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा अपनी हुकूमत पे पख्तूनख्वा का फख्र हुआ कि 2013 और 18 के बीच में यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि जिधर जिस सूबे में सबसे तेजी से गुर्बत कम हुई वो पख्तूनख्वा का सूबा था 2013 से 18 तक। तो मेरी अब कोशिश है कि हमारे जब 5 साल पूरे हों तो जो इलाके पाकिस्तान में पीछे रह गए उनकी भी जिंदगी बेहतर हो, और दूसरा जो हमारे गुर्बत की लकीर से नीचे लोग हैं इनकी आप जिंदगी भी ऊपर उठा सके। तो इसके लिए हमने कई कदम उठाए हैं, लेकिन आज मैं सबसे पहले बड़ी खुशी
से आप सबको ये बयान करता हूं कि ये बहुत बड़ी चीज हुई है स्कर्दू की, कि पहले तो ये एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, ये स्कर्दू के लोगों ये आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी आज बात याद रखना, वक्त साबित करेगा कि इस स्कर्दू के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से जो आप सबकी जिंदगियों में तब्दीली आने वाली है वो भी आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं। मैंने नौजवानों, मैंने इस उम्र में तकरीबन सारी दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह देखी हुई है, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, अफ्रीका के अंदर सफारी पार्क्स, तकरीबन सारी दुनिया देखी हुई है। मैं आपको यकीन से कहता हूं, और इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं यहां खड़ा हूं, इसलिए कि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन माउंटेन सीरी यानी पहाड़ी इलाकों के अंदर जो खूबसूरती है वो ये गिलगित बल्तिस्तान में है। अभी तक लोगों को पता नहीं है इसका, इसलिए आपको नहीं पता लोगों को, क्योंकि यह आना मुश्किल है, लोगों को आना पड़ता था बाहर से, पहले वो इस्लामाबाद आए या कराची आए और उधर से फ्लाइट पकड़ के स्कर्दू, और फिर मौसम खराब तो फ्लाइट नहीं आई, बहुत मुश्किल था आना। अब जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है, मैं पहले पेशन गोई करता हूं कि सबसे पहले आएंगे बैरून मुल्क पाकिस्तानी, जो अपनी छुट्टियां और गर्मियों की छुट्टियां बाहर गुजारते थे और जगहों पे, खासतौर पे जो यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं, मैं जानता हूं कि उन्होंने सबने जब उनको पता चला कि डायरेक्ट फ्लाइट है यहां, आप देखेंगे किस तादाद के अंदर आपसे बाहर से भी आएंगे लोग और अंदर से भी। ये सड़क ठीक होने से, और ये जो सड़क है मैंने 30 साल पहले इस पे सफर किया है और मुझे पता है कि ये कितनी खतरनाक सड़क थी, लोग जाने से पहले एक दूसरे को ऐसे खुदा हाफिज कहते थे कि पता नहीं शायद देखेंगे भी या नहीं उनको, बड़े बड़े। और मैं इस सड़क में खास तौर पे NHA मुराद सईद आपकी मिनिस्ट्री को और FWO, मैं उनको खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि ये इतनी मुश्किल और खतरनाक सड़क जिस तरह आपने बनाई है, और जो बिल्कुल फासला आप खत्म हो गया, यानी जो 8 घंटे लगते थे अब 3 घंटे में लोग यहां से गिलगित पहुंच सकते हैं। और आज मैं खास तौर पे खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं FWO के वो जो फौजी थे जिन्होंने शहादत जिनकी हुई सड़क बनाते हुए, और जिस तरह आपने जिन हालात में वो सड़क बनाई, और जिस तरह, तो FWO और NHA, मैं आपको वाकई आज सारे लोगों की तरफ से, ये सारे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि टूरिज्म ये कितना बड़ा पाकिस्तान का असासा बन सकता है टूरिज्म। अब स्विट्जरलैंड ले लें, स्विट्जरलैंड आधा है गिलगित बल्तिस्तान के मुकाबले में, और सिर्फ स्विट्जरलैंड से जो वो टूरिज्म से पैसा बनाते हैं वो तकरीबन 70 अरब डॉलर है। अब लोगों को नहीं समझ आएगी 70 अरब डॉलर क्या है, ये समझें कि जो पाकिस्तान सारी साल की एक्सपोर्ट करता है वो 30 अरब डॉलर है, वो सिर्फ टूरिज्म से 70 अरब डॉलर बनाते हैं, और वो आधा है हमारा गिलगित बल्तिस्तान का। और जो स्विट्जरलैंड से और ऑस्ट्रिया से जो लोग इधर आए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, कई मैं जानता भी हूं, वो खुद कहते हैं कि वो कुछ भी नहीं, मुकाबला ही नहीं हो सकता स्विट्जरलैंड का जो के खूबसूरती और जो पहाड़ इस इलाके में।
इसका मतलब क्या? गर्मियों के अंदर, गर्मियों में आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान अपने हमारे सारे बाकी गर्म इलाकों से, पंजाब से, सिंध से, पख्तूनख्वा से, गर्म इलाकों से आप देखेंगे कि यहां किस तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि अब सड़क आपकी बहुत आसान हो गई है। और फिर आगे जो चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी अनाउंस किया, आगे भी जो हम अब कनेक्ट कर रहे हैं गिलगित ये स्कर्दू को और आजाद कश्मीर से, रास्ता आपका छोटा हो जाएगा, वो भी आगे सड़कें बन रही हैं। तो जितनी जितनी आसानी होती जाएगी आपकी टूरिज्म बढ़ती जाएगी, एयरपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ेगी। और जब अगर स्विट्जरलैंड 70 अरब डॉलर बना सकता है सालाना टूरिज्म से, तो यहां तो गर्मियों में भी टूरिज्म और सर्दियों में भी टूरिज्म। और सर्दियों में कौन सी टूरिज्म? स्कीइंग। जो स्विट्जरलैंड है वो स्कीइंग से ज्यादा पैसा बनाता है। और मुझे खुद ऑस्ट्रिया से उनका रिजॉर्ट्स का जो एक्सपर्ट है, उसने मुझे आके कहा कि दुनिया अब इधर देख रही है, क्योंकि वहां गर्मी मौसम की तब्दीली की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, वहां बर्फें ज्यादा जल्दी पिघल जाती हैं। तो क्योंकि यहां इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, तो वो अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि वो सर्दियों में इधर आके स्कीइंग करें। तो ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन गया, सड़क भी आपकी ठीक हो गई, आगे भी सड़कें बनी है कनेक्टिविटी की वजह से, और कनेक्ट कर देगा बाकी आजाद कश्मीर, रास्ता भी छोटा हो जाएगा इस्लामाबाद से। तो आगे मैं अभी आपको, चीफ मिनिस्टर साहब, आपको और आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि अपनी जमीन का अब आपने ध्यान रखना है। बाहर से लोगों ने आके आपकी जमीन खरीदनी है, और पैसा, क्योंकि यहां गुर्बत ज्यादा है, वो ज्यादा पैसा देंगे आपको जमीन के लिए। इसलिए ये बड़ा सोच सब, क्योंकि जमीन कम है यहां, आपको इस जमीन की जरूरत पड़ेगी, इसको रिजॉर्ट्स बनाएंगे। देखिए रिजॉर्ट का मतलब क्या है, घर के साथ अगर आप एक कमरा बना देते हैं, बाहर से टूरिस्ट आता है वो कमरे में ठहरता है, हां उस घर का फायदा हो जाता है, लेकिन असल पैसा खर्च होता है जब टूरिस्ट आके रिजॉर्ट में रहता है।